बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती खेमिन साहू, शासकीय प्राथमिक शाला बेमचा, जिला महासमुंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय हिंदी पाठ 9 दूठन नान्हे कहानी के भाग 2। बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि इसमें 2 कहानियां हैं। पहली कहानी हमने कल पढ़ी थी, उसका नाम था हीरा और ओस के बूंद। आज के कहानी के नाम है महतारी के रतन। लइका हो, चलो ये कहानी ला हमन सुने से पहली एकर कुछ परिचय भी जान लन। महतारी के रतन कहानी मा बताए गए है कि हर संतान हा अपन महतारी बाप के रतन बरोबर होते। फिर लइका मन नहीं समझ सकय और जौन दिन ओमन समझ जाते ओ दिन ओकर जिंदगी हा बदल जाते। लइका हो, एकर परिचय मैं हाँ हिंदी में भी दे देता हूँ। महतारी के रतन कहानी में माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम व उनके जीवन में संतान का क्या स्थान होता है को दिखाया गया है। परंतु संतान अपने माता पिता के त्याग और समर्पण को समझ नहीं पाते, और जो संतान अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों और उनके ऋण को समझ जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। तो बच्चों, चलो अब इस कहानी को हम सभी मिलकर पढ़ते हैं। लइका हो, माधव बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ धूमधाम से मनाए जाए। माधव बाबू के परिवार वाला मन ए पई थोड़की ज़्यादा तैयारी करे हवे। खेल तमाशा और नाचा पोखन के घलो जोरा करे रहीन हैं। महल बरोबर मकान हा बिजली के बत्ती ले जगरमगर करत रहीस है। तो जब हमन अपन घर ला बिजली से सजाथन तो कतेक सुंदर दिखते, महल बरोबर दिखते ना, वैसने उकरो मकान हा दिखत रहा है। सोन चांदी और हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जात रहा है। विपिन हा माधव बाबू के पड़ोसी रहे, एकरे सेती वो हा पूजा देखे बर आए रहीस। सजे धजे नारी परानी मन ला देख के ओला अपन महतारी के सुरता आगे। बाप ला बीते गजब दिन हो गए रही से, है ना, विपिन के बाप ला गुजरे हुए कई साल बीत गए रही से। अब लइका हो, यही बात ला मैं तुम ला हिंदी में तको समझा देता हूँ। माधव बाबू के घर में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस वर्ष उनके परिवार वालों ने थोड़ी ज़्यादा तैयारियाँ की थी। उन्होंने खेल तमाशे वालों को भी वहाँ पर बुलाया हुआ था। उनका घर जो है बिजली से इस तरह सजा हुआ था कि महल के समान दिखाई दे रहा था। वहाँ पर सभी नारियाँ सोने चांदी से लदी हुई थी और इधर उधर आ जा रही थी। विपिन जो है वो माधव बाबू का पड़ोसी था, इसीलिए वह भी वहाँ पर पूजा देखने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर ना बच्चों, जो महिलाएं सजी हुई थी उनको देखकर विपिन को अपनी माँ की याद आ गई। उसके पिताजी को गुजरे हुए कई साल बीत गए थे। बच्चों, अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे बगराना, बगराना का अर्थ है फैलाना। लहुटगे, लहुटगे का अर्थ लौटाना। विपिन ला अपन बाप के सुरता घलो नहीं है, काबर की वो बहुत छोटे रहीस ओ समय। बापुरी दाई हा बनी भूती करके घर ला चलावा थी। ओ हा सोचते इहा सोन चांदी मा लदाए नारी परानी मन हंसी ठट्ठा करत किंजरत हवय, और उहा बेचारी दाई हा बनी भूती मत थके मांदे आके मोर बर भात रांधत होही। अतेक अंतर है दोनों घर मा, ऐसे कह के विपिन हाँ सोचे विचारे लगिस। अब विपिन हाँ सोचे विचारे के उम्र मा पहुँचत रही से, ओकर मन हाँ उदास हो गए। माधव बाबू के घर के चकाचौंध मा ओकर मन हाँ नहीं लागत रहा, ओ हा घर लौट गए। लइका हो, अब यही बात ला मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। विपिन को अपने पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उस समय वो छोटा था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। वो यहाँ पर सजे धजे
महिलाओं को देखकर और हंसी ठहाका करते हुए देखकर अपने माँ के बारे में याद करता है और कहता है कि बिचारी मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके आती है और मेरे लिए खाना भी बनाती है। इन दोनों में कितना अंतर है। अब विपिन जो है वो सोचने विचारने के उम्र में पहुंच गया था, इसीलिए वो इन सब बातों को सोच रहा था। इन सब चीज़ों को देख के उसका मन जो है बहुत उदास हो गया। माधव बाबू के घर के चकाचौंध को देखकर उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था और वो वहाँ से लौटकर आ गया। लइका हो, अब आगे के कहानी में देखथन चलो का होते। विपिन के दाई चूल्हा तीर बैठे भात रांधत रहा है। घुंघवावत चूल्हा ला कभू निहर के फुकनी माँ फुकत घलो जाए। विपिन के दाई के नज़र विपिन ऊपर नहीं परिस। आज विपिन के मन हा घर में घरों नहीं लगीस। ओहा उठीस और नदिया कोती निकल गए। अब यही बात ला मैं हा हिंदी में भी समझा देता हूँ। विपिन की माँ चूल्हे के पास बैठे हुए खाना पका रही थी। चूल्हे से धुआं निकल रहा था, इसीलिए वो झुककर बार बार चूल्हे को फूंक रही थी। विपिन की माँ की नज़र विपिन के ऊपर नहीं पड़ी। विपिन का मन घर में भी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उठा और नदी की ओर चला गया। धीरे धीरे संझा होए लगी। सूरज के पिवरा किरण हा बादल ला सोन के पानी में पोते कस पिवरा दीस। बादल हा ऐसे लगे लागीस जैसे सोन बगरे है। विपिन हा सोचते कहूँ मैं बादर में चढ़ सकते हूँ तब बोरा भर सोन सकेल के ला लेते हूँ। ऐसे विपिन हा सोचा थे ना। कभू कभू हमूमन ला लगते ना कोई चीज़ ला देखथन ता कि हाँ ये चीज़ हमरो करा होती तो हमूमन हा आज सुखी रहते। वैसने विपिन हा सोचे लगते। अब विपिन हा कहते मोर गरीबहीन महतारी हा सुख के दिन ला देख लेतीस। काबर देख लेतीस, जब विपिन हा सोना ला लेके आतीस तब ओकर माँ की गरीबी तको दूर हो जातीस ना, तब वहू हा सुख के दिन जिए लगतीस। फिर बादल में चढ़ना तो मुश्किल है। विपिन सोचते बादल में चढ़ना तो मुश्किल है, को जनी कौन हा अतेक सोन ला बादल में बगरा दे है। ऐसे विपिन हा सोचते। लइका हो चलो अब यही लमे हाँ हिंदी में समझा देता हूँ। धीरे धीरे शाम होने लगा और सूर्य की रोशनी जो है पूरे बादल को पीला कर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोने के पानी से बादल को पोत दिया गया हो। विपिन सोचने लगता है कि अगर मैं बादल में चढ़ जाता तो क्या करता, बोरे में सोने को भरकर ले आता और मेरी माँ की गरीबी को दूर कर देता और उनके लिए भी सुखी जीवन दे देता। लेकिन बादल में चढ़ना तो मुश्किल है ना। अब विपिन सोचने लगता है कि पता नहीं किसने बादल में इतने सारे सोने को फैला दिया है। उतके बेर ओला कोनो मनखे के आरो मिलते। विपिन हाँ लहूट के देखते। जैसे हमूमन ला कभू कभू ऐसे लगते ना कि कोनो आते था हमार पीछू में कोनो आके खड़े है का। वैसने विपिन हा पीछे में पलट के देखते ता ओहा अपन पाछू मा माधव बाबू ला ठाड़े पाथे। सगा मल्ला बता के माधव बाबू हा थोड़ी हवा ले बर नदिया कोती निकले रहीस। कस का विपिन तय हा खेल तमाशा देखे बर नहीं गेस, माधव बाबू हा पूछिस। ता विपिन हा जवाब देते गे रहे हूँ बाबू साहेब फिर लहूट के आ गए, विपिन हा बताइस। अब एकर से संबंधित कुछ कठिन शब्द इमें दे गए हैं, तेकर अर्थ में तुम मल्ला बतावा था। मेर, मेर के मतलब होते पास। जैसे हमन बोलते ना पेन मोर मेर है कापी मोर मेर है वैसने। आरो, आरो के अर्थ होते आहट। बपुरी, बपुरी यानि बेचारी। लबारी, लबारी यानि झूठ। अब यही लमे तुमल्ला हिंदी में भी समझावा था। उसी समय विपिन को किसी के आने की आहट सुनाई दी। विपिन पलट के देखता है तब उनके पीछे में माधव बाबू खड़े हुए थे।
माधव बाबू मेहमानों को बताकर नदी की ओर टहलने के लिए आए हुए थे। तभी उन्होंने विपिन को देखा और विपिन से कहा कि क्यों विपिन, तुम खेल तमाशा देखने के लिए नहीं गए? माधव बाबू ऐसा विपिन से पूछने लगे। तभी विपिन जवाब देता है कि मैं गया था, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया। काबर? माधव बाबू का पूछिस। अब विपिन लालाबारी मारे के आदत नहीं रही से। कई झन लड़का मन होते ना जेमन हमेशा सच बोलते, वैसने विपिन तको रही से ओला झूठ बोले बर नहीं आत रही से। तो ओह कि थे ओह अपन मन के सबो हाल ला माधव बाबू ला बता दिस। विपिन के बात ला सुन के माधव बाबू हंस परिस और हंसत हंसत कहिस, अरे विपिन तय फोकट दुखी होवत हस, कौन कही थे कि तोर महतारी गरीब ही रहे? ओकर तीर तो ऐसे रतन है जिन मोरो घर में नहीं है, ऐसे कह के माधव बाबू ह विपिन ला कही थे। यही बात ला मैं तुम्हें हिंदी में तको समझा देता हूँ। माधव बाबू पूछते हैं क्यों, तब विपिन जो है वो सच्ची सच्ची बात बताता है, क्योंकि उसको तो झूठ बोलने की आदत नहीं है। विपिन जो है अपने मन की बात को माधव बाबू को बता देता है। विपिन के बात को सुन के माधव बाबू हंस पड़ते हैं और हंसते हंसते कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे विपिन तुम बेवजह ही दुखी हो रहे हो, कौन कहता है कि तुम्हारी माँ गरीब है? उसके पास तो ऐसा रतन है जो मेरे घर में भी नहीं है। मैं तो अपन महतारी मेर आज ले कोनो रतन ला नहीं देखे हूँ। विपिन हाँ कहीस, विपिन तोला मोर बात में भरोसा नहीं है, तय अपन महतारी ला पूछ ले भी, माधव बाबू हा कहिस। अब विपिन हा माधव बाबू के गोठला सुन के घर कोती लहूट गए। माधव बाबू के घर के आगू में खेल तमाशा होवत रहा है, भीड़ हा सैमो सैमो करत रहीस। विपिन हा सीधा अपन घर में खुसर गए और दाई दाई विपिन हा चिल्लाइस, काय बेटा मैंने तो अपने माँ के पास आज तक कोई भी रतन नहीं देखा। विपिन ने कहा, विपिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ अपनी माँ से पूछ लो, माधव बाबू ने कहा। विपिन माधव बाबू के बात को सुनकर घर की ओर वापस लौट गया। माधव बाबू के घर के सामने खेल तमाशा हो रहा था और वहाँ पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। विपिन सीधा अपने घर में चला गया और माँ माँ करके चिल्लाने लगा। तब उसकी माँ ने जवाब दिया, क्या है बेटा? विपिन के दाई कहिस, दाई काय बेटा? विपिन के दाई कहिस, दाई तोर मेर कैसन रतन है मोला देखा तो। माधव बाबू हा कहत रहीस कि तोर महतारी तीर जैसन रतन है वैसन रतन ओकरो घर में नहीं है, का ये बात सही है दाई? हाँ बेटा मोर मेर जैसा रतन है माधव बाबू के घर में घलो नहीं है। तब विपिन हा कहते, देखा तो महू देखाओ रतन ला। ता ओकर माँ हा कहते, आ बेटा मोर तीर माँ। विपिन के दाई हा विपिन ला अपन तीर माँ बुलाइस। अब विपिन हा अपन महतारी के तीर माँ पहुँच गए। तो ओकर दाई है ओला काबा भर पोटार के अपन हृदय ले लगा लीस और कहिस। बच्चों चलो अब आगे की कहानी में क्या होता है देखते हैं। विपिन की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? विपिन की माँ ने कहा, माँ आपके पास कैसा रतन है मुझे भी दिखाओ तो। माधव बाबू कह रहे थे कि तुम्हारी माँ के पास एक ऐसा रतन है जैसा रतन मेरे घर में भी नहीं है, क्या ये बात सही है माँ? तो विपिन की माँ ने कहा, हाँ बेटा मेरे पास जैसा रतन है ना वैसा माधव बाबू के पास भी नहीं है। तभी विपिन कहता है कि मुझे भी दिखाओ तो कैसा है वो रतन। तभी उसकी माँ ने विपिन को अपने पास में बुलाया, कहा कि मेरे पास आओ। विपिन अपने माँ के पास आ गया और जब विपिन अपने माँ के पास आता है तब उसकी माँ उसे अपने बाहों में भर लेती है और हृदय से लगाकर कहती है, बेटा तही मोर रतनस मोर खजाना आस,
दाई दादा पर संतान ले बढ़ के कोनो रतन नहीं होए। संतान हा दाई दादा के जिंदगी ला रतन बरोबर चमका थे। विपिन ला पहली तो बड़ा अचरज होइस, फिर पाछू ओहा बात ला समझ गे। विपिन हा पढ़ लिख के बहुत बड़ साहेब बन गे। फिर 30 बरस पहली के घटना ला ओहा आजो सुरता करथे। माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कोई भी रतन नहीं होता है। जिंदगी संतान माँ बाप के जिंदगी को रतन की तरह चमका देता है। विपिन पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन बाद में इस बात को समझ गया। विपिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साहब बन गया, लेकिन आज से 30 बरस पहले की जो घटना हुई थी उसे आज भी वो याद करता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसी लगी? आप सभी को इससे क्या सीखने के लिए मिला? जैसे कि इस पाठ का नाम है महतारी के रतन। जिस तरह विपिन अपनी माँ के लिए रतन था, उसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता के लिए रतन के समान हो, और संतान से बड़ा हीरा मोती नहीं है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा और समझा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनके उत्तर हम खोजकर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विपिन हा सूरज के पिवरा किरल्ला देख के का सोचत रहीस? हाँ मुकेश, तेहा बरदा। बिल्कुल सही जवाब है। विपिन हा सूरज के पिवरा किरल्ला देख के सोचते कि ये बादल ला सोन के पानी मा कोनो पोत दे हावय, औ अगर मैं हा उहां ऊपर मा बादर के ऊपर मा चढ़ सकते हूँ, तो वहाँ ले अबड़कन सोना ला सकेल के ला लेते हूँ। प्रश्न दूसरा है, महतारी पर लड़का रतन से कम नहीं हुआ, तुहर महतारी है घलो तुम अल्ला रतन कहात होही, वो कारण ला पता लगा के लिखो। तो एकर जवाब ला कौन दही? हाँ, एकर जवाब तुमन स्वयं से सोच के लिखो। बच्चों, अब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आज हम सीखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा है, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। पाठ में आए समझ, कह, सोच शब्द में या प्रत्यय लगा के नवा शब्द बन जाते। जैसे समझ धन या, समझैया, कह धन या, कहैया। वैसने एक ठन शब्द है सोच धन या, सोचैया। अब ऐसने खाले दे शब्द मल्ला या प्रत्यय लगा के नवा शब्द बनावा। चलो देखथन वो शब्द मन का है रे। जैसे सकल, देव, देख, अमर। अब ये शब्द मन संग हमन हा या प्रत्यय लगा के नया शब्द बनाबो सकल, और ओकर संग लगाबो या, दोनों मिलके बनीस सकलैया। ठीक है, अब ऐसने तो हमला नया शब्द बनाना है, तो चलो तुमन बताओ देव धन या का होही? हाँ बिल्कुल सही, देवैया। अगला शब्द है देख धन या, कौन बताही? बिल्कुल सही है, दोनों मिला के बनीस देखैया। फिर है अगला शब्द मर धन या, और दोनों मिलके बनीस मरैया। लइका हो, योग्यता विस्तार के भी एक ठन प्रश्न है। वो प्रश्न हावे डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के, और दूसर कहानी मल्ला घलो पढ़ो, और अपन साथी मल्ले एकर चर्चा भी कराओ। तो ये पाठ ला हमन पढ़ें, एमा के कुछ कठिन शब्द मन के अर्थ ला तको जानें, साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी प्रश्न के उत्तर भी बनाएं, और व्याकरण से संबंधित भी जानकारी हमन ला एमा मिलीस। लइका हो, चलो अब घर पर तको में तुम अल्ला कुछ काम दे देता हूँ, जल्दी से अपन कॉपी में लिख लो। प्रश्न है,
जौन कहानी अभी हमन पढ़ेन महतारी के रतन, वैसने एक ठन नवा कहानी सोच के तुमन ला लिखना है। आओ ये काम ला करे बर तुमन अपन बड़े दीदी भैया आओ माँ पिताजी के तक को सहयोग ले सकता हो। ता लइका हो, ये पाठ हा अब यही जगह पूरा हो गए। ता अब अगले कक्षा में हमन फिर से एक नया कहानी नया पाठ के संग फिर से मिलबो। धन्यवाद।